जी हाँ दोस्तों, आप सब इस बात को कबूलते होंगे कि आईपीएल बहुत ही ज़्यादा अलग फॉर्मेट है बाकी सारे मुकाबले को लेकर। भले ही वर्ल्ड कप क्यों ना हो, लेकिन आईपीएल में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं। इसी बात को लेकर हमारे केन विलियमसन ने भी कुछ बड़ी बातें कही हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान हैं और वर्ल्ड कप का जो हाल फिलहाल का मुकाबला हुआ था 2019 का, उसमें भी देखने को मिला भले से उनके हाथ हार लगी हो, लेकिन मुकाबला बहुत अच्छा खेला था केन विलियमसन ने। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की कप्तानी करते हैं और साथ ही साथ कई अच्छी कप्तानी के साथ इन्होंने मैचेस भी जिताए हैं। तो इसी बीच DRS विद अश्विन शो में केन विलियमसन ने इंडियन प्रीमियर लीग की काफ़ी तारीफ की और उसके साथ ही केन विलियमसन ने यह बताया कि न्यूजीलैंड की कप्तानी करना और IPL में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करना कितना अलग है। आप सभी को बता दें, T20 मुकाबले में सबसे बड़ा घरेलू मुकाबला माना जाता है इंडियन प्रीमियर लीग। यहाँ पर ना जाने कितने सारे खिलाड़ी खेलते हैं, कितने सारे नए युवा खिलाड़ियों को मौका मिलता है। विदेशी खिलाड़ियों को उन खिलाड़ियों को मौका मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। जहाँ सिर्फ 11 खिलाड़ियों की टीम में 4 विदेशी खिलाड़ियों को जगह मिलती है, जिनमें से एक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में हर साल जगह बनाते हैं हमारे केन विलियमसन। आप सभी को बता दें, केन विलियमसन ने खूब सारी अच्छी बातें कहीं IPL को लेकर। IPL के बारे में कहा कि IPL सीखने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। केन विलियमसन ने कहा कि हमारे लिए भारत में क्रिकेट के लिए इतना जोश और जज्बा देखना वाकई शानदार अनुभव रहता है, क्योंकि बाकी स्टेडियम्स के मुकाबले और बाकी स्टेडियम्स में जो दर्शक मौजूद होते हैं वो इतना जोश पैदा नहीं करते जितना इंडियन प्रीमियर लीग में होता है। और इसका स्टैंडर्ड्स काफ़ी ऊंचा होता है, ये नहीं कि काफ़ी नीचा, लेकिन इसका स्टैंडर्ड भी काफ़ी ऊंचा होता है। IPL को देखकर ही अन्य देशों ने अपने यहाँ T20 लीग की शुरुआत की। केन विलियमसन ने कहा कि IPL और न्यूजीलैंड की कप्तानी करना दोनों ही बहुत ही अलग बात है। IPL की कप्तानी से पहले मुझे नहीं पता होता कि क्या करना है, क्योंकि इसमें सभी खिलाड़ी अलग होते हैं, सभी देशी खिलाड़ी होते हैं, उनको पता है कि उनका काम क्या है, उनको इस पिच पर अनुभव होता है। लेकिन हमारा अनुभव उस समय 0% होता है, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस होता है खेल के मुकाबले में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ का कल्चर काफ़ी अलग होता है, खिलाड़ियों का जो रुतबा होता है वो भी काफ़ी अलग होता है, सभी टीमें काफ़ी बेहतरीन होती है। हालांकि मेरे लिए सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करना काफ़ी शानदार रहा। टीम का सपोर्ट स्टाफ हैदराबाद में काफ़ी समय तक रहा और उन्होंने काफ़ी लुत्फ वहाँ पर उठाया। हम लोग जिस स्टाइल में खेलते हैं बस उसके हिसाब से हमें चलना रहता है, यानी कि अपने फॉर्मेट और अपने स्टाइल को हमेशा फॉलो करना रहता है। जो हमारा अनुभव है उसको हमेशा मैच पर फोकस करना रहता है कि किस प्रकार से हम अपने अनुभव एक्सपीरियंस से इस मैच को जिता सकते हैं। और केन विलियमसन के अंदर कितना अनुभव है आप सब इस बात को जानते हैं। आपको बता दें कि जब डेविड वॉर्नर के ऊपर बॉल टैम्परिंग के कारण 1 साल का बैन लगा था, तब केन विलियमसन ने सनराइजर हैदराबाद की कप्तानी का जिम्मा संभाला था। 2018 में उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को फाइनल तक पहुंचाया और ज़बरदस्त बल्लेबाजी भी की थी, भले से ही टीम जीत ना पाई हो, जो केन विलियमसन की किस्मत बताती है, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में भी केन विलियमसन वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले तक पहुँचे। मुकाबले में एक भी गेंद एक भी रन आगे नहीं था उस टीम से, लेकिन मैच टाई होने के बाद भी, सुपर ओवर टाई होने के बाद भी वह मुकाबला हार गया, क्योंकि सामने वाली टीम ने बाउंड्री ज़्यादा लगाई थी। और IPL में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलता था, जहां 2018 के वर्ल्ड कप में ये फाइनल तक पहुंचे लेकिन इनके हाथ हार लगी। केन विलियमसन ने काफ़ी अच्छी बातें कही IPL के बारे में। आप क्या लगता है दोस्तों कि IPL सच में ही बाकी फॉर्मेट्स के मुकाबले बाकी सारे मुकाबले के बहुत ही अलग है, जैसे वर्ल्ड कप या T20 वर्ल्ड कप की अगर तुलना करें IPL से, तो क्या तुलना करना सही होगा या नहीं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। धन्यवाद दोस्तों।